उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद और हरिहर मंदिर के सर्वे को लेकर जो बवाल हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां संभल में बवाल हुआ उसी के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म है। देश भर में संभल और अजमेर का मुद्दा छाया हुआ है। वहीं विरोधी भारतीय जनता पार्टी को संभल मामले पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ साथ मुरादाबाद प्रशासन ने इस बात को लेकर कमर कसी है कि कोई ना संभल में आएगा और ना ही संभल से कोई बाहर जाएगा। इसको लेकर के कई पार्टियों ने संभल में आने का मन बना लिया, लेकिन आज सुबह सुबह ही रामपुर में जब कांग्रेसी डेलीगेशन संभल की ओर जा रहा था तो रामपुर एसपी की सूझबूझ से जगह जगहों पर कांग्रेसी नेताओं को रोका गया है और कुछ कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया। जाने का कार्यक्रम था, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व मंत्री अजय राय जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन कांग्रेस का बना था और उनके साथ में हमको संभल पहुंचना है। वहाँ जो हालात हैं, परिस्थितियाँ हैं पर वो जाननी है। मैंने राहुल जी का, खड़गे जी का और प्रियंका जी का आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक डेलीगेशन संभल जाने की बात की, जिसमें मेरा भी नाम शामिल है। और हम वहाँ जा कर के वहाँ की परिस्थितियाँ और हालात जानने के लिए ये रिपोर्ट जो है हाईकमान कांग्रेस कमेटी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष और प्रियंका गांधी जी को देने का कार्यक्रम था। अब आप जा रहे हैं संभल? हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। इसी तरह रात से हमारे माननीय अध्यक्ष अजय राय जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पूरी तरह घेरा बना के उनको जो है वो बंद कर लिया। और रात ही वो पाता, अभी उनका फोन आया था, कांग्रेस कार्यालय में रात से सोए भी हुई हैं। तो उनका ने भी यही आदेश किया कि आप लोग निकले और जहाँ भी रोका जाए सड़क पर बैठ जाएंगे, वो इस पर आप प्रयास करें। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कि हम कांग्रेस के लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, हम अहिंसा के वो मानने वाले लोग हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने कोई भी कार्यक्रम या कोई भी नीति होती है उसको बनाते हैं और हम उसके अनुशासन को, डिसिप्लिन को और कानून व्यवस्था किसी चीज़ से वो ना हो, ज़बरदस्ती करना हमारा नेचर में या हमारे विचार में नहीं है। हम अहिंसा के लोग हैं। जिस तरह देश में भारतीय जनता पार्टी नफरत का माहौल फैला रही है, उस नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए हम संभल में मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए जो राहुल जी ने पूरे देश में खोली है, हम उसके लिए कांग्रेस पार्टी जाना चाहती है। अब उसमें जो आप देख रहे हैं जो परिस्थितियां हमको रोकने का प्रयास, सरकार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है रोक लगा रखी है इस समय संभल जाने पर, तो वो सरकार का काम है, लेकिन हमारा काम, हम भी वहाँ जानना चाहते थे क्योंकि तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की अफवाहें हैं। उसको जाकर के कांग्रेस का एक डेलीगेशन स्वयं जाकर के वहाँ देखना चाहता था कि आखिर ये उन परिवारों से, पीड़ित परिवारों से जिनकी डेथ हुई है या जो जख्मी है या जो परिस्थितियाँ वहाँ बनी, जिस तरह इस देश में नफरत का माहौल संबंध से या दूसरी जगहों से शुरू हो रहा है, इसलिए हम संभल जाना चाहते थे जो वहाँ एक पैगाम दे। कांग्रेस पार्टी ही देश की एकमात्र पार्टी है जो मोहब्बत की बात करती है और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो नेता विपक्ष है वो मोहब्बत की बात करते हैं कि आपस में ये सारे मसले जो है, क्योंकि देश में बहुत हो चुके हैं, ये पिछले 30 साल में 25 साल में नफरत का माहौल, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई, ये सब बहुत हो चुकी है, बंद होनी चाहिए। अब विकास की बात होनी चाहिए, तरक्की की बात होनी चाहिए, रोज़गार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, अब विकास की तरफ जाना चाहिए। इस सब के लिए सोच के साथ जो है हम संभल के लोगों से जाके ये भी अपील करते हैं, अमन और शांति की, हमारा मकसद कोई वहाँ पर किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो पुलिस ने आपको रोक लिया, अब जाएंगे आप? हम प्रयास करेंगे, अभी पुलिस इनकी नज़र बचे तो किसी तरह निकले, प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें,
हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।